ग्राम कमलेडी तहसील जयजयपुर जिला शक्ति का भूमि संबंधित विवाद ग्राम पंचायत कमलेडी में आदिवासी समाज दुखी राम जगत एवं जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक केशव प्रसाद चंद्रा के मध्य में भूमि संबंधित विभाग का प्रकरण अनुभागीय अधिकारी शक्ति के न्यायालय में विचाराधीन है। यहां पर जगत परिवार के द्वारा धान की कटाई किया जा रहा था, जहां पर शक्ति SDM रैना जमील ने अपने पूरे टीम के साथ राजस्व अमला एवं पुलिस प्रशासन के साथ ग्राम कमलेडी गए, जहां पर 6.40 एकड़ भूमि की धान फसल को जब्त करके सरपंच के यहां सुपुर्द किया गया। यहां पर विधायक केशव चंद्रा का कहना है कि यह हमारे बाबा के द्वारा जमीन मिला है, जबकि दुखीराम जगत का कहना है कि यह हमारे पूर्वज का जमीन है। दोनों का केस SDM न्यायालय में विचाराधीन है। अब देखने वाली बात यह है कि गोर समाज के बीच पिछड़ा वर्ग समाज का भूमि कैसे स्थापित हुआ, यह तो अब न्यायालय ही बता पाएंगे कि यह चंद्रा समाज का पुरखौती जमीन है या गोर समाज का भी। अभी इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनकी खुद की जुबानी सुने। नाम बताओ। दुखुराम। कौन गांव? दुखुराम गोड़, ग्राम कलमीडी और ब्लॉक जयजयपुर। अच्छा गोड़ साहब, ये बताइए कि आपके गांव का विधायक और आपके गांव का लड़का का कहना यह है कि हमारे पिताजी के द्वारा और हमारे दादा के द्वारा ये जमीन को दिया गया है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सब गलत है। वो जो बोल रहे हैं ना, वो गलत है। बाय बिक्री किया होता तो मेरा पूर्वज उसका कागजात बताते, हो तो कुछ नहीं बता रहा है। ये बिना मतलब के मान ले फर्जी तब के अपने नाम में करवा लिया है और धोखाधड़ी करके पटवारी को पटवारी तहसीलदार सबको साठ गांठ के कर करके अपने नाम में दर्ज करा लिया है। गौर साहब ये बताइए किसने अपने नाम में दर्ज करवाया है? अब यही लोग होगा, अब है तो यही को हमारा कहना है और दूसरे को थोड़ी करना है। रामेश्वर परमेश्वर केशव प्रसाद मणिशंकर चंद्रा। अच्छा कितने एकड़ जमीन है यहाँ पास? 6 एकड़ 40 डिसमिल है। अच्छा SDM मैडम का कहना यह है कि केस दर्ज है इसीलिए हम लोगों ने धान को जब्त किया है। तो केस दर्ज, मैं भी बोला हूँ केस दर्ज किया है, तो वो बोल दिया सीधा कि मेरे पास कोई कागजात नहीं है कहकर। और उसी दिन हमारा पेशी था 25 तारीख का, उसी के पास SDM के पास शक्ति में। केशव प्रसाद चंद्रा विधायक जी का कहना है कि हमारा वो संपत्ति है इसलिए शासन ने उसे जब्त किया है, लेकिन वो हमारा संपत्ति है। इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं गौर जी? वो संपत्ति मेरा है, उसका नहीं है। जो भी फैसला मेरा तो राष्ट्र बोर्ड माले मेरा सरकार ने, भारत सरकार ने, कंगला समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय कंगला मांझी सरकार ने माले बोर्ड ला के गाड़ दिया है कि वो बोल दिया है कि हमारा गोड़ का 1951 का लागू के तहत अपना जमीन वापस हो गया है, कहकर वो पूरा हमें दे दिया है भारत सरकार ने। तो इन लोग अपने बलपूर्वक विधायक के बलपूर्वक से माले पांचों ब्लॉक के डबरा मालखरौदा शक्ति बाराद्वार जयजयपुर ब्लॉक के फोर से लेकर के और पूरे माले जयजयपुर ब्लॉक की माले पटवारी तहसीलदार कोटवार सबको लेकर के मेरा धान को जबरदस्ती गुंडागर्दी करके हम लोगों को पकड़ पकड़ के घिला के माले पकड़ के रख दिए। ये पुलिस लोग को मैं बोला हूँ कि तू माले मालिक को ला, कौन सा मालिक है तो मालिक क्यों आएगा? वो आएगा, गुंडागर्दी किए हैं लोग सबके नाम है। इनका नाम जितना भी पांचों ब्लॉक के TI बड़े दरोगा है, जितने भी SDM तहसीलदार सब आए थे, सबका माल निकाल दीजिए। गुंड जी बतावा कि आपके यहाँ बोर्ड लगे खेत के बीच में, तो ये बोर्ड कब लगा है अब एक बारे में क्या कहना चाहता? बोर्ड हम एक बार लगाए हैं, पुस्तौनी जमीन है और मांझी सरकार के है द्वारा लगाए हैं। सरकार पूरा सहमत दे है, मांझी सरकार है और तुम्हार जमीन वापस हो गए करके। तुम्हार जमीन है वापस हो गए कहे। अच्छा एमा जो SDM मैडम आ रही से शक्ति ले बोला आप मान कहा कि ला उखा के फेंक देवा। हाँ बोल बोल। तो वो कहा कही सिकर आ रहे मा अमन उखाड़ के फेंक देवा कहें तो नहीं सकन फेंके ऐसे कहीं ने। ग्राम पंचायत थोड़े दिन पहले हमारे पास जो है केस आया था, विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी और पटवारी और थानेदार के प्रतिवेदन के अनुसार वहाँ पे जो है शांति भंग होने की संभावना थी। अभी फसल जो है वो जब्ती करवा के सरपंच की सुपुर्दगी में दिया गया है। दोनों पक्ष अपना अपना जो क्लेम है जमीन को लेकर के उसके संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा मैडम ये बताइए वहाँ तो जो है
वो है आदिवासी का जमीन है, गोड समाज का है, लेकिन बीच में चंद्र जी का जमीन देशा चंद्र जी का कहाँ से आ गया? दोनों पक्षों को अपना अपना पक्ष रखने के लिए दिया गया है, जो भी संबंधित दस्तावेज होंगे वो हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे, उसके अनुसार जो है आने की कार्रवाई की जाएगी। विधायक महोदय, बतावा आपके कलमिटी के गाँव में जो हवा दुखुराम जगत, वह कहा था कि यह जमीन हमने पुरखौती है, और एक तरफ कहा था आप मना, एक बारे में क्या कहना चाहता था? कलमिटी के जो जमीन के बाद में चला आप पूछे हवा, वो हमारे पुरखा के जमीन है, अब बोला हमला विरासत में मिले हवा दादाजी के तरफ से, अवमा निर्विवाद रूप से हमन आज तक जो है खेती करत हाथ हमन, अभी कुछ समय ले वो विवाद डाला थे, पूर्व में भी प्रशासन में फसल जब्ती करके हम लोग दे रही सावे, और ये साल भी विवाद की स्थिति के निर्मित हुई, तब प्रशासन में फसल जब्ती करे है, अब देखा एसडीएम के न्यायालय जेकर पक्ष में निर्णय होनी चला फसल की, बाकी कोई न्यायालय में कहीं भी लंबित नहीं है, बंटवारी रिकॉर्ड दस्तावेज अच्छा विधायक महोदय, एसडीएम के कहना है कि एक प्रकरण न्यायालय में चला थे, अब आप कहा था कि नहीं चला थे, कहा थे एक बारे में आप क्या कहना चाहता? नहीं, न्यायालय में कौन सा न्यायालय? एसडीएम न्यायालय में, एसडीएम न्यायालय में कोई प्रकरण नहीं है, एसडीएम न्यायालय में कोई प्रकरण नहीं है, एसडीएम न्यायालय धारा 170 का प्रकरण रही बोला जो है खारिज कर दी, सो खर आवेदन लाए एक बार नहीं, अनेकों बार खारिज हो गए हवाए, अब कोई भी आवेदन दे दी न्यायालय में चलात रही, तो वर्तमान में काकर नाम दर्ज है तेला देखे जाए।